आज रामनवमी का पवित्र त्योहार पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ जम्मू में मनाया जा रहा है। माता के 9 दिनों तक व्रत रखने का पवित्र शारदीय नवरात्र आज साख के विसर्जन के बाद समाप्त हो जाता है। और नारियां सारा का सारा आगे लाके वॉलंटियर्स के हवाले करते हैं और आगे चलते जाए, रश न डाले आगे। कोई भी सामान प्लास्टिक का नीचे तवे में नहीं डालना आपने, और आप खुद जाके तवे की हालत देख लीजिए आज कितनी साफ दिख रही होगी आप लोगों को। और ये तवे की सर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब जो इन्होंने गवर्नमेंट ने जो स्टिकनेस की है ना, ये मतलब लिफाफे वगैरह के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। देखो आज हमारी तभी बहुत सुंदर लग रही है और आगे बहुत अच्छा लग रहा है। जय माता दी। जो भी आए पाँच रुपये पूरे और आज हम यहाँ पे आए हैं माता करवाने, और यहाँ पे लिखा कि तभी इतनी साफ है तो हम बहुत खुश हुए कि सारा कुछ सीक्वेंस वाइज प्रॉपरली हो रहा है। बहुत बहुत अच्छी बात है। हम 9 दिन के लिए माता को अपने घर में बुलाते हैं, उसकी अच्छे से पूजा पाठ करते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और सबके ऊपर उसका आशीर्वाद बना रहे। और हम नवमी के दिन इसका कंकर पूजन करते हैं अच्छे से खुशी से, फिर हम इसको जल प्रवाह करने आते हैं इनका नवमी के दिन। तो ये हमारे लिए बड़ा शुभ दिन होता है। लोग इन दिनों घर में साख लगाते हैं और रामनवमी के दिन इसे सूर्य पुत्री तवी में विसर्जन किया जाता है। सूर्य पुत्री तवी को छोटी गंगा माँ भी कहा जाता है। परंतु अफसोस, लोग आज भी स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस पवित्र त्योहार के दिन मां सूर्य पुत्री को अपने नकारात्मक अंदाज से गंदा किए जा रहे हैं। जम्मू के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र, जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र व अन्य समाज सेवी आज के दिन लोगों को समझा रहे हैं कि पॉलिथीन व प्लास्टिक के अन्य सामान सूर्य पुत्री तवी में ना बहाए। माँ तवी नदी को दूषित ना करें, वो उन्हें वहीं उसी मौके पर दूसरा विकल्प भी दे रहे हैं, तथा लोगों द्वारा पॉलिथीन या अन्य सामान को वापस डस्टबिन में इकट्ठा किए जा रहे हैं। मेरा नाम कोमल है, मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से हूँ। यहाँ पे हर साल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक वॉलेंटियर्स मिलके यहाँ पे स्वच्छता अभियान जारी करते हैं जो कि नवरात्रों के दिनों में करवाया जाता है। यहाँ पे लोग आप जिस देख रहे हैं जिस प्रकार लोग कहने को तो इसे सूर्य पुत्री कहते हैं, लेकिन कितना यहाँ पे गंद वगैरह डालते हैं। जिस प्रकार ईश्वर की सेवा की जाती है उसी प्रकार उसे जहाँ फेंका जाता है लिफाफे वगैरह, हम अपनी नदी को कितना गंदा कर रहे हैं। ये प्राकृतिक की स्वच्छता की ओर हमारा कदम नहीं है। जिस हमारे प्रधानमंत्री भी स्वच्छता को जितना प्राथमिकता दे रहे हैं उस प्रकार हम अपना योगदान नहीं दे पा रहे। कहने को तो हम चाहते हैं कि हमारे भारत में उन्नति हो या हमारा देश डेवलप करे,
और हम इसके लिए हमेशा जिम्मेदार अपनी सरकार को ठहराते हैं, लेकिन आम नागरिक इसमें कितना योगदान दे पा रहा है, इसमें हमारा योगदान कहाँ है? हम तो अपना योगदान से वंचित है ना, हमें तो अपने योगदान के बारे में पता ही नहीं। इसलिए मैं सभी लोगों को एक अपील करना चाहती हूँ, एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि कृपया करके आप प्राकृतिक चीज़ों को गंदा ना करें, जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित हो और हम लोगों को बीमारियां या हमें किसी भी प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़े। ये हमारे लिए भी सुरक्षित है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी। हमें वातावरण को बचाना चाहिए और जितना हो सकता है अपना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें। और हम कुछ लोगों से ये भी अपील करना चाहते हैं कि अगर वो हमारे साथ इस प्रकृति की स्वच्छता के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते, तो हर नवरात्रि जो यहाँ पे बच्चों के द्वारा ये जो कदम उठाया जाता है कि हम स्वच्छ भारत अभियान नवरात्रों के दिनों के दौरान करें, केवल यहाँ पे आएं और अपना योगदान दें, ताकि हम अपने समाज को और अपने देश को एक सुंदर भविष्य दे पाएं। रितिका बादा, आज हम देखिए अब कल से ही ऑर्गेनाइज करें सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक। इसमें हम कोलैबोरेशन हमने किए हुए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी बच्चे हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हैं खुद, हम कल सुबह से यहाँ पे हैं कि जो तवी में जाए सिर्फ एक माता जाए, जिस हम जिसको कहते हैं साख जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाना चाहिए। सिंगल एक पॉलीथिन नहीं जाना चाहिए, पॉलीथिन तो वैसे नहीं जाना चाहिए, सिंगल वो जिस पॉट में ला रहे हैं वो भी नहीं जाना चाहिए, जस्ट एक माता जाए। बट लोगों के साथ डील करना काफ़ी टफ टास्क भी है, कई लोग अवेयर हैं, पर आज से 3-4 साल पहले लोगों को ये चीज़ समझाना बहुत मुश्किल था। बट हाँ, एज कम्पेयर टू उन ईयर से आज थोड़ा इजी हो रहा है। बट लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्ग्यू कर रहे हैं कि हम क्यों ऐसा करें, आप ये कहाँ जाएंगी, क्या करेंगे, बट आज भी टफ टास्क है। बट हाँ, 100 में से 90% लोग अवेयर हैं, और जो 10% नहीं है वो भी मान जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आर्ग्यू करते हैं। थैंक यू। नाम वंशिका गुप्ता है और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, और हमने यहाँ पे मतलब एक सोशल कॉज के लिए कंट्रीब्यूट किया है। हमें इसमें कोई लालच नहीं है, कुछ हमें चाहिए नहीं, बट ये है कि हमें मदद करना अच्छा लगता है और इसलिए हमने यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। हम कल आए थे यहाँ पे सुबह 8 बजे और सुबह से ही हम काम करने लगे हुए हैं, और आज भी हमारा जितना हो सकेगा अपना एफर्ट हम इधर देना चाहते हैं और हम देंगे। हाँ, लोगों को थोड़ा समझाना मुश्किल है क्योंकि लोगों की अपनी एक आइडियोलॉजी है, अपनी भक्ति है भगवान के प्रति, बट मान जाते हैं, वो भी समझ रहे हैं कि हम एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो वो भी मान जाते हैं। इतना मुश्किल नहीं है लोगों को समझाना बहुत। मगर कुछ हट धर्मी मेटाडोर से पॉलिथिन फेंक धर्म को लज्जित करते हैं, ये कैसी माँ की पूजा है। सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक व अन्य पॉलिथिन बैन है, समाज को भी जागना होगा, नई पीढ़ी के भविष्य की चिंता करनी होगी। जहां स्वच्छता होगी वहीं माता रानी का वास भी होगा। उम्मीद है लोग बढ़ चढ़ कर हमारे पर्यावरण की रक्षा में सहयोग करेंगे तथा अपनी आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करेंगे। रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़।